तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के लिए करवा चौथ के लिए एक नई साड़ी का लेके आई हूँ ड्रेपिंग का वीडियो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया और आप है मेरे चैनल गुड़िया जानवी पे, जहाँ आप लोगों को ब्यूटी फैशन एंड साड़ी ट्यूटोरियल्स के वीडियोस मिलते हैं। तो पहले सबसे आप लोग बता दीजिए साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो बस आप लोगों को मुझे फॉलो करना है, अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, अगर मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है और डीएम लिखना है। आप लोगों को साड़ी का लिंक इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, देन आपको कम्युनिटी पोस्ट पर इसका लिंक मिल जाएगा साड़ी का। और अगर मेरे फेसबुक पर भी है तो भी आप डीएम करोगे तो मैं आप लोगों को साड़ी का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो मिलेगा। साड़ी काफी अच्छी है, बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है और इस करवा चौथ पे आप इसे मतलब पहन के और भी ज्यादा खूबसूरत दिख सकते हो। और बहुत ही कम प्राइस की साड़ी है, साड़ी का प्राइस भी बहुत ही कम है गाइस। तो सिंपली साड़ी तो जैसे ड्रेप करते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पर ड्रेप की है। हाँ, इस साड़ी की मैं कुछ खासियत बता देती हूँ। इसमें क्या है, इसका जो फैब्रिक है साड़ी का तो वो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है साड़ी का। और इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा थिक वाला बॉर्डर है, मतलब थोड़ा सा इसमें कड़ापन है बॉर्डर में। तो इसमें जब आप प्लीट्स बनाओगे, ठीक है, अगर आपको प्लीट्स जब आप बना रहे हो तो क्या होता है, जब बहुत ज्यादा चौड़ा और या फिर कड़ा वाला जो बॉर्डर होता है उसकी प्लीट अच्छे से गैदरिंग नहीं हो पाती है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक बहुत ही ब्रॉड प्लीट बनानी है, देन बाकी प्लीट जो है आपको हाफ हाफ बनानी है, उस प्लीट्स की हाफ बनानी है। इस तरीके से आप बनाओगे तो प्लीट्स आपको एकदम बहुत ही अच्छे से मतलब बन के आपके रेडी हो जाएंगी और आपको देखोगे कि प्लीट्स एकदम सेट हो जाएंगी। उसके बाद एक एक प्लेट्स को आपको गैदर करना है। और जैसा मैं हमेशा अपनी साड़ी के ड्रेपिंग वाली वीडियो आपने देखे क्या करती हूँ कि बीच से दबा देती हूँ अपने टांगों में, तो इससे जो है कभी मेरा जो साड़ी है इधर उधर नहीं होती और अच्छे से मैं प्लेटिंग कर पाती हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर नहीं तो आप नॉर्मल जैसे मैं करके दिखा रही हूँ ऐसे भी कर सकते हो। दूसरी चीज आपको क्या यहाँ पर फॉलो करनी है साड़ी पहनते समय, ये वाली साड़ी पहनते समय, कि आपको एक साथ सारी प्लेट तक नहीं करनी है। पहले आपको सारी प्लेट एक प्लेट ऊपर वाली जो है उसको छोड़ना है और आपको अंदर की सारी प्लेट को टक करना है। एक सेफ्टी पिन से आप सिक्योर कर ले अगर आप न्यू में, और उसके बाद आप अपनी ऊपर वाली प्लेट को सेट करते हुए अच्छे सेट करें, नीचे की सारी प्लेट को अच्छे से सही करें और आगे की जो प्लीट्स हैं आपकी पहली प्लीट्स उसको इस तरह से अपने अंगूठे से दबाते हुए, जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था यानी कि काउल जो दिया था ताकि हम अपनी कमर की साइड फिटिंग अच्छे से कर पाए, तो बस उसको आपको इस तरीके से लेना है और सेट करना है अपनी कमर पे और दूसरी साइड से फोल्ड करके उसको टक कर लेना है और एक्स्ट्रा जो आपका फैब्रिक उसको भी टक कर लेना है। तो ओवरऑल लुक अभी आप देखोगे, फोटो में आपने देखा है, अभी मैंने एक फोटो और लगाई है वो भी आप देखोगे, ओवरऑल लुक जब ज्वेलरी के साथ हेयर स्टाइल के साथ आप निकल के आता है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा आता है। कलर इसका इतना प्यारा है एकदम मस्टर्ड ऑयल कलर, तो बहुत ही अच्छा गॉर्जियस लुक जो है इसका साड़ी का दिखता है। उसके बाद में बस इस तरीके से आपको अपना पल्लू जो है सेट कर लेना है। मैंने यहाँ पर फ्री पल्लू किया, आप चाहे तो प्लेट्स भी कर सकते हैं, प्लेट्स के साथ भी साड़ी को वेयर कर सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में अगर फ्री पल्ला करना आपको ठीक नहीं लग रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पल्लू के साथ भी साड़ी को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा जो फ्री पल्ला रखा है, फ्री पल्ले के साथ ये साड़ी का लुक देख लो, प्लीट्स आप देख लो गाइस, बिना इस्त्री किए हुए बिना आयरन किए हुए भी प्लीट्स एकदम परफेक्टली इसमें आई हैं। तो ओवरऑल साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है, साड़ी ड्रेपिंग का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और साड़ी पहनने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। कोई नेक्स्ट साड़ी वीडियो और भी मैं लेके आने वाली हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोग के पास कुछ हो तो आप लोग मुझे सेंड करिए पिक्चर्स की, मैं उस पर भी साड़ी ड्रेपिंग करके दिखाऊंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लव यू वॉचिंग।